मूल रूप से चीन में पाया जाने वाला एक पौधा अब देश में सफलतापूर्वक तैयार किया जा रहा है। ये पौधा इसलिए खास है क्योंकि इसके फल से मिठास का एक बढ़िया विकल्प तैयार किया जा सकता है, जो कि खासकर शुगर के मरीजों के लिए लाभदायक माना जाता है। चीन में पैदा होने वाले मॉक फ्रूट के पौधे को देश में पहली बार उगाने का काम किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद पालमपुर ने और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स द्वारा मंजूरी मिलने के बाद पौधे को बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। गौर रहे कि कुछ वर्ष पूर्व CSIR IHVT पालमपुर ने मधुमेह में रोगियों के लिए स्टीविया के रूप में मीठे का विकल्प तैयार किया था, जिसके परिणाम प्रोत्साहनजनक रहे हैं और स्टीविया बेहद पसंद किया गया है। अब CSIR ने मॉक फ्रूट को सफलतापूर्वक उगाने के बाद इसके फल से निकलने वाले मैक्रोसाइट तत्व से मिठास का नया विकल्प तैयार किया है, जो कि चीनी के मुकाबले करीबन 300 गुना अधिक मीठा होता है। वहीं जानकारों के अनुसार यहां स्टीविया में थोड़ी कड़वाहट होती है, मॉक फ्रूट का स्वाद अधिक मिठास भरा होता है। जानकारी के अनुसार CSIR IHVT ने इस संदर्भ में तकनीक विकसित की है और NVP GR और FND स्वीकृति मिलने के बाद अब FSAAI से मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद अगले साल मॉक फ्रूट से तैयार मिठास के विकल्प को जारी कर दिया जाएगा। मॉक फ्रूट में मॉर्गोसाइट होता है, जो चीनी की तुलना में 300 गुना मीठा और स्थिर और गैर किण्वीय होता है, जिसमें काफी मात्रा में एमिनो एसाइड, फ्रक्टोज, खनिज और विटामिन शामिल होते हैं। पेय पदार्थ पके हुए वेक भोजन में प्रयोग किए जाने के बावजूद काफी मिठास कायम रहती है। चीन में इसे सर्दी, खांसी, गले और विकारों के इलाज में प्रयोग किया जाता है, जबकि रक्त शोधक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। CSIR IHVT पालमपुर के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि CSIR ने मॉक फ्रूट पौधे को तैयार करने में सफलता पाई है। इस फल से स्टीविया की तर्ज पर मिठास का विकल्प तैयार किया जाएगा, जो कि विशेषकर डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभदायक होगा। इसे अगले साल जारी करने पर काम किया जा रहा है। वहीं किसानों के पास आय का दूसरा साधन होगा और हमें उम्मीद है कि जो किसानों की आय प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए होती है, इस फसल से वह 1.5 लाख रुपए के प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। आपको पता है मीठा सबको पसंद है। इस समय जो मीठे का जो स्रोत है, जो हम सब कंज्यूम करते हैं, वो है चीनी। लेकिन चीनी के साथ दिक्कत है कि ये एक तो वजन बढ़ाती है और दूसरा जो डायबिटिक्स हैं या जो शुगर के मरीज हैं, उनको चीनी खाने में दिक्कत होती है और उनको चीनी से परहेज करना पड़ता है। तो हमने चीनी को और मिठास की कमी को डायबिटिक्स के लिए और वेट वॉचर्स के लिए हमने ये प्रयास किया कि उनको कुछ ऑल्टरनेटिव दें, जिससे कि चीनी का उनको विकल्प मिल सके। आपको ध्यान होगा, पहले हमने देश में स्टीविया के ऊपर पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी, जिसके अंदर हम किसान भाइयों को बताते थे कि स्टीविया उगाया कैसे जाता है, उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है। और आपको जान के खुशी भी होगी कि कई इलाकों में और कई सौ एकड़ में इस समय स्टीविया की खेती की जा रही है और इसकी प्रोसेसिंग की तैयारी की जाती है। स्टीविया के साथ साथ एक और बड़ा महत्वपूर्ण पौधा है, जिसको हम मॉन्ग फ्रूट कहते हैं। ये मॉन्ग फ्रूट चाइना का पौधा है और हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता। हमारे संस्थान का प्रयास रहा कि इस मॉन्ग फ्रूट को हम अपने देश में इंट्रोड्यूस करें। इसके लिए हमने NVPGR के माध्यम से इसके बीज अपने देश में मंगवाए और उनकी देखरेख में अभी इसकी खेती की जा रही है। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात थी कि मॉन्ग फ्रूट है तो बहुत एक इंटरेस्टिंग प्लांट, इसके जो फल है, इसके फल के अंदर, पल्प के अंदर बड़ी मिठास होती है और ये जो मिठास है ये चीनी से करीब 300 गुना ज्यादा होती है। लेकिन अभी हमारे देश में या कहीं पर भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि इस क्रॉप को उगाया कैसे जाए और फल कैसे तैयार किए जाएं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसको फल को उगाने की और साथ ही साथ फल तैयार करने की पूरी विधि तैयार कर ली है। और हमारा प्रयास है कि अगर हमें NVPGR से परमिशन मिल जाती है तो हम अगले साल तक इसको हिमाचल में जहां जहां ये क्रॉप हो सकती है हम इसको बिल्कुल फैलाएंगे। इससे किसानों के पास एक आय का दूसरा साधन होगा और
हमारी जो उम्मीद ये है कि किसानों की आय जो इस समय 30,000 से 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर होती है गेहूं और ऐसी ऐसी फसलों को उगाने से कम इनकी 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर हो सकती है अगर हम ऐसी क्रॉप उगाएं। तो ये मॉन्ग फ्रूट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का हमारे संस्थान का पहला बड़ा सफल कदम है।